आज हम कंसोल एप्लीकेशन के एक और एग्जांपल में ये देखेंगे कि किस तरह क्लास बिल्ड होती है। क्लास इज अ मेजर फैक्टर टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। क्लास बेसिकली क्या है, आप इसको एक मैप की तरह समझ सकते हैं जिसके अंदर आपकी तमाम खसूसियात जो है वो इसके अंदर रहती हैं। एक क्लास के अंदर आप जो मेजर तीन खसूसियात होती हैं वो इसको फाइनलाइज करते हैं। अच्छा, आप देखेंगे कि इसमें एक क्लास है जिसका नाम मैंने प्रोग्राम रखा। इसके अंदर एक फंक्शन है जो कि वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स के साथ है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक पब्लिक क्लास फॉर एग्जांपल शेप के नाम से बनाता हूँ। जब भी मैंने क्लास बनानी है तो मैंने इस क्लास को कभी भी इसके साथ दो ब्रैकेट्स नहीं देने हैं। इसका एरर है एक्सपेक्टेड, पहली बात होगी। पब्लिक के साथ एक क्लास का वर्ड है, ये भी एक रिजर्व वर्ड है। आप इसको हटा के पब्लिक सिर्फ शेप्स नहीं कर सकते, वो यहाँ पे एरर देगा एक्सपेक्टेड चार पांच चीजें मांग रहा है, क्लास डेलीगेट इनम इंटरफेस और स्ट्रक्ट। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इन पे बात करेंगे कि डेलीगेट क्या चीज होती है, इनम क्या चीज होती है, स्ट्रक्ट क्या चीज होती है, इनमें फिर डिफरेंसेस क्या है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो है क्लास। नंबर तीन, आपने एक वक्त में ये ऐसा पॉसिबिलिटी देखें कि ये क्लास है, इसके साथ पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड फाइनल, इनको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि मैं इसको एक्सेस कैसे कर सकता हूँ आउटसाइड द प्रोग्राम या विद इन द प्रोग्राम। ये जो नेम स्पेस आपको दी जाती है, ये नेम स्पेस बेसिकली एक पैकेज होता है, जिस तरह पाकिस्तान एक नेम स्पेस है। इस नेम स्पेस के साथ जो है आप वर्किंग करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक पब्लिक क्लास बनाई है, अब इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका नंबर वन है, नंबर टू है। मैंने कल भी इस पे बात की थी लेक्चर में, लेकिन एक बात दोबारा से समझाने के लिए कह रहा हूँ कि एक ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्पेस दे के नंबर वन कर दें, बीच में स्टार नहीं आ सकता या कोई भी और लेटर सिवाय इस अंडरलाइन के। पहला लेटर वन नहीं हो सकता, ये वेरिएबल के असूल हैं जो हर लैंग्वेज के अंदर कंफर्म करने होते हैं। आप ऐसा भी नहीं कर, इस मेथड को डिक्लेरेशन कह रहे हैं। डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि आपने अपनी हार्ड डिस्क के अंदर चार बाइट का जो है वो एक रिजर्व कर। इसी तरीके से यहाँ और भी बहुत सारे नजर आएंगे। 16 का मतलब है कि ये दो बाइट है, 16 बिट साइन इंटीजर। 32 का मतलब है चार, और 64 का मतलब 8 बाइट की जगह आपने रिजर्व कर दी। अब ये डिसाइड आपने उसी वक्त करना है कि मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन कब चाहिए। अगर आपने इनको बगैर इनको 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 अगर आपने रिजल्ट है और आपने डायरेक्ट इनके साथ कोई वर्क करने की कोशिश की तो फिर किस किस्म का एरर आएगा। इंटीजर नंबर वन नंबर टू रिजल्ट, हाँ तो आरईएस कर दो, नंबर टू और रिजल्ट। यहाँ देखे ना, इसको रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर वन प्लस नंबर टू, तो ये एरर आपको जनरेट होगा। एरर क्यों होगा कि वो आपसे एरर के ऊपर असल बात है कि यूज ऑफ अनअसाइंड लोकल वेरिएबल नंबर वन,
वो कहता जी कि नंबर वन जो वेरिएबल है उसके अंदर आपने असाइनमेंट नहीं की, ये असाइन किया इस मेथड को आप इनिशियलाइजेशन भी कह सकते हैं और असाइनमेंट भी कह सकते हैं। ये बेसिकली वेरिएबल्स के कुछ रूल्स थे। अच्छा, अब रह गई बात यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा था। देखें, अब यहाँ पे एक मेरे पास जो क्लास होती है उसमें दो चीज़ें जरूरी होती है, एक वेरिएबल और एक उसके मेथड्स जिसको मेंबर फंक्शन भी कहते हैं, ये दोनों होना जरूरी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक, मैं एडिशन का बनाता हूँ, ये मेरे पास ऐड का बटन है। अब आप देखें आरईएस आ चुका है, जो इसके ऊपर मैंने फंक्शन परफॉर्म करना था, नंबर वन भी एक्सेस हो रहा है और नंबर टू भी। अब जरा गौर कीजिए कि नंबर वन और नंबर टू के साथ एक ताला सा लगा हुआ है और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये शेप्स डॉट नंबर टू है। यानी अगर मैंने नंबर टू तक अप्रोच करना है तो पहले मैं शेप्स पे जाऊंगा और फिर मैं नंबर टू पे जाऊंगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल मज़र की आंखें, महताब के बाल, तो ये पहला हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका नेम देना जरूरी है एंड देन वी विल अप्रोच टू द अदर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट या उसकी प्रॉपर्टी या मेथड। और यही आप काम कर रहे होते हैं जब भी आप वर्क कर रहे थे, तो डॉट ऑपरेटर बेसिकली इसी चीज के लिए यूज हो रहा है। अब अगर मैंने ये देखें कि इसके साथ मैंने रिटर्न कर दिया ये, अच्छा अब हम देखें कि ये मुझे मेथड दे रहा है। देखिए, जब भी आप कोई फंक्शन या मेथड बनाते हैं ना, तो उसकी कोई ना कोई आउटपुट होगी या वगैरह आउटपुट पे होगा, कोई ना कोई तो चीज़ होगी ना। देखते हैं, आप देखते हैं या काम करते हैं, खाते हैं या पीते हैं, हर चीज़ की कोई आउटपुट जनरेट होती है। आउटपुट का जनरेट होना, जो भी रिजल्ट उसमें से ओरिएंटेड हो रहा है, अगर तो आप उसमें से रिजल्ट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसमें से रिजल्ट इंटीजर निकले, तो मैं इसको इंटीजर करूँगा और मैं रिटर्न क्या दूंगा इसको, मैं इसको इंटीजर के तौर पे रिजल्ट सेंड करूंगा। तो ये बड़ा मुतमईन है, यानी जब भी मैं इसको फंक्शन को करूंगा तो मैं इसमें से रिजल्ट को गेट कर सकता हूँ, वैल्यू को रिसीव कर सकता हूँ। जैसे आप कौन का एक फंक्शन बनाते हैं, कौन डॉट ओपन, अब ये कोई चीज रिटर्न नहीं करता, ये जस्ट एक वर्कआउट करता है। अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर आप अपने कंप्यूटर को वाइड की सूरत हाल देंगे। अगर आपने कंप्यूटर की रिटर्न टाइप वाइड दे दी हुई है तो आप फिर नीचे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, बल्कि इसमें समझ लें कि काम कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट कंसोल राइट दो है। अब फर्क क्या है, राइट जो होता है जब अगली लाइन लिखेंगे तो उसी जगह पे उसके साथ ही लिखेगा राइट लाइन, द रिजल्ट ऑफ द एडिशन प्रोग्राम। और फॉर एग्जाम्पल ये रिजल्ट है, यहाँ मैंने कंकैटिनेशन के लिए प्लस का साइन लगाना। ये जो एरर्स हैं ये सारे आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये आपके एरर हैं। अच्छा, अब इसका आपने ऑब्जेक्ट बनाना, जो आप बहुत इस्तेमाल करते हैं न्यू न्यू न्यू, जब भी आपने शेप्स देखेंगे इसका गौर करें कि ये इस तरह से दो आगे से शाखें निकलती होती हैं, ये साथ में लिखा भी हुआ है कि क्लास क्लास एग्जाम्पल डॉट शेप्स। अब एस एच इज इक्वल टू न्यू शेप्स, आई कैन डू इट। अच्छा, एस एच के तहत देखिए, अब मेरे पास फंक्शन आ रहा है, एड आ रहा है, लेकिन ना तो मैं नंबर वन तक अप्रोच कर रहा हूँ, ना मैं नंबर टू तक, और ना ही मैं वेरिएबल तक, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनकी जो वैल्यूज है ये प्राइवेट है। अगर मैं चाहता हूँ कि इनको कोई बाहर से भी एक्सेस कर सके, तो अब आप देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नंबर वन, नंबर टू और रेजिडेंट जो है वो आप इसको अप्रोच कर सकते। तो ये मेथड आप इस तरीके से वैल्यूज के साथ अटेन कर सकते हैं। अगर आपने सच नंबर वन की वैल्यू ट्रांसफर करनी है तो एस एच नंबर टू इज इक्वल टू 12, और अब आप एस एच डॉट एड का फंक्शन इस्तेमाल करें और इसको रन करें। ये
ये एकदम से स्क्रीन पे आएगा और चला जाएगा, ब्लैक स्क्रीन नमूदार होगी, वो उसके ऊपर करेगा, रिजल्ट करेगा, चला जाएगा। उसकी वजह ये थी कि हमने यहाँ पे इसको स्टॉप करने का कोई तरीका नहीं दिया हुआ था। अब इसको आप कर सकते हैं कंसोल। अच्छा आप गौर कीजिए, ऊपर मैंने लिखा सिस्टम, नीचे मैंने कंसोल लिख दिया, तो दोनों मेथड चल रहे हैं। हाँ, ये जो ऊपर मैंने सिस्टम दिया है ये अब उसके नेम स्पेस का हिस्सा दे दिया, इसलिए अब मेरे पास जरूरत नहीं है। ये मैंने इसको चलाया, अब देखें कि 101 इसका आंसर आया। सो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से आप, अगर आपने इसको पब्लिक हटा दिया तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। यही वो गलतियाँ जिनके साथ आप जब आप इनकैप्सुलेशन और ये वाले मेथड्स साथ गलती करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी। सो अगर अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लेट्स सपोज अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास वेरिएबल जो हैं वो ले ही, मतलब मैं इन वेरिएबल्स तक बाहर से लोगों को नहीं अप्रोच करने देना चाहता, मेरी बात को समझ रहे हैं, तो फिर मैं वैल्यूज कैसे ट्रांसफॉर्म करूँगा, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पे करेंगे बात। लेकिन अभी अगर समझाना मैं चाहूँ तो लेट्स सपोज मैं आपको इस तरह समझा सकता हूँ, इसके कई तरीके हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी n और समझ लें x और इंटीजर y, ऐसे भी मैं इसको दे सकता हूँ, और x और y, लेकिन इस मेथड में तो मैं उसको आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ ना। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वैल्यूज नंबर वन पे चली जाए तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा पब्लिक फॉर एग्जांपल इन और वाइड कर लें गेट नंबर वन, ये एक फंक्शन मैंने बनाया और इसके अंदर मैंने एक इंटीजर एक्स मैंने इसका आर्गुमेंट पास किया। अब नंबर वन इज इक्वल टू एक्स के बराबर होगी, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो किसको ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, वो नंबर वन को दे दी जाएगी। अब मैं sh डॉट गेट नंबर वन करूंगा और इसमें मैं 5 की वैल्यू डाल दूंगा। अब मैं सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या मेरी ये वैल्यू जा भी रही है या नहीं, अब मैं नंबर टू के अंदर इनिशियलाइजेशन 9 की कर देता हूँ। अब देखते हैं कि क्या मेरा 5 और 9 14 बनते, वो देखिए आप 14 बन गए ना, हालांकि मैंने इनिशियलाइजेशन दी हुई थी। अच्छा अब इसी से एक और भी चीज और जो ऑब्जेक्शन है वो उठेगा, अगर मैं फर्स्ट में एक और बनाता हूँ गेट नंबर टू और इंटीजर वाई देता हूँ, इससे वो गेट और सेट का मेथड आपको समझ आएगा कि जो हमें की बनाना पड़ता है कि अगर हमने किसी वेरिएबल से वैल्यूज लेनी है, इससे सिक्योरिटी इनहेंस हो जाती है। एक तरह के ये उसी तरह से है कि जब आप बैंक में जाते हैं और बैंक वाले आपको पैसे जो है आपके अकाउंट में, बैंक कैशियर जो था उसको आप वाले कहते हैं, वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट अगर वेरिएबल तक सेट दे दी तो फिर तो वो आपके लिए इशू बन जाते हैं। अच्छा लेट्स सपोज अगर मैंने इसी तरीके से sh डॉट गेट नंबर टू और इसको मैंने 12 दे दिया, तो अब आप मुझे बताएं मेरा आंसर 14 आएगा या 17। ये 9 है ना नंबर टू, 14 आएगा या 17, गेट नंबर वन क्या आपका 5, तुम 14। वजह क्या थी देखिए, जब हमने लोकेशन दी उसमें नंबर टू इज इक्वल टू 9 था, नंबर टू एक तरह का आपका जैसा घर का एड्रेस है उसमें आपने 9 की वैल्यू दे दी। अगर इनिशियलाइजेशन उस वक्त अफेक्ट करती है जब आप वो वैल्यू सप्लाई ना कर रहे, अदरवाइज जब हमने
वाई की वैल्यू को कॉल करके वैल्यू दे दी तो वो नंबर टू में चली गई, इसे नंबर टू को ओवरराइड कर दिया। इसको समझने के लिए ये ऐसे समझ लें ताकि आपको समझ आ सके। एस एच डॉट गेट नंबर टू, ये 23 है। अब मुझे आंसर बताएं क्या होगा, 17, 14 या 28? ओवरराइट हो जाएगा सबसे एंड पे, एग्जीक्यूट हुआ ना, दो दफा एग्जीक्यूट हुआ, यही चीज को समझो। अगर हाँ बिल्कुल, अगर स्टेप बाय स्टेप अगर देखें, इसको मैं हटा के यहाँ दे देता हूँ, अब क्या आंसर आएगा? 17। 17 क्यों आएगा, वो इस्तेमाल में नहीं आई, वो अगर आई भी तो वो इसके बाद आई। अगर मैं अब इसको करता हूँ sh.get@, अब मुझे बताएं आंसर क्या आएगा? दो आएंगे, एक पहले क्या आएगा, 28 के 17, ठीक हो गया ना, 17 और फिर 28। अब मजे की बात देखो, हमने गेट नंबर वन नहीं दिया था, वो पहले की वैल्यू उसमें सेट हो गई हुई थी, इसलिए उसने उसके वैल्यूज को ओवरराइट कर। ये चीज मेरे ख्याल है आपको क्लास और उसका ऑब्जेक्ट समझ आए। लेट्स सपोज अगर मैं इसी तरह से एक और शेप्स का बनाता हूँ, इससे मुझे फायदा क्या, मुझे sh2 करता हूँ इज इक्वल टू न्यू एंड शेप्स, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पेश आएगी। वंस अगेन sh डॉट, अच्छा अब मैं sh1 लिखूंगा, sh2 लिखूंगा, गेट नंबर 2 ये आ गया 12, sh2 डॉट गेट नंबर 1 11, sh2.add। इस तरह मैं जितने चाहूँ मैं इसके फंक्शंस बना सकता हूँ, ये इस तरह से आपके प्रोग्राम्स ही बनते हैं। जो लॉजिक्स थी क्लास और ऑब्जेक्ट के हवाले से, आई थिंक इट विल बी क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि आगे फिर हम जब कंस्ट्रक्ट बनाते हैं, मेरे पास जरूरी नहीं, अगर देखें अगर मैंने इस तरह पब्लिक नहीं किया, इस तरह प्राइवेट है तो नज़र नहीं आएगा, पब्लिक है तो फिर वो किस तरह से वर्कआउट कर रहा है, इस चीज़ को आपने अपने दिमाग में बिठाना है और इसको अंडरस्टैंड करना। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।